सिंपल ब्लाउज, कोर्टेक्स ब्लाउज का स्टिचिंग। इसमें एक, दो, तीन और ये चार, ऐसे चार टक्स देना है। तीन टक्स जो है वो पिन टक्स देना है, इस तरह से फोल्ड करके पिन टक्स पिन जितना डिस्टेंस करके स्टिच करना है हल्का सा। तीनों ऊपर के डार्ट जो है वो पिन टक्स से देना है। नीचे वाला डार्ट जो है हाफ इंच से देंगे, मतलब फोल्डिंग हाफ इंच का होगा। ऐसे यहां से हम डार्ट लगाएंगे तो खुल के एक इंच का हो जाएगा। ड्राफ्टिंग में समझा है कि एक इंच हम फैब्रिक पे बढ़ाते हैं कटिंग करते वक्त, वो एक इंच यहाँ एडजस्ट हो जाएगा। यह बैक साइड, फ्रंट से यदि देखेंगे तो जब हमने डार्ट्स लगा दिए हैं तो ये फुल लेस आ गया है। ओके, इसमें अभी क्रॉस पट्टी अटैच करनी है। क्रॉस पट्टी के लिए पहले सिंगल बूटन से सिलाई लगा ली। इस तरह से डबल क्रॉस पट्टी का चल रहा है ब्लाउज, इसको टर्न कर देंगे। नेक साइड जो हॉरिजॉन्टल डार्ट है, नेक साइड से लगता है ये पोर्शन, ऐसे रखना है। इसके ऊपर साइड से क्रॉस पट्टी रखेंगे, ऐसे सीधे पे सीधा। ब्लाउज में हमेशा जब आप स्टिचिंग करोगे, जब भी स्टिचिंग कर रहे हैं तो फुटर से सिलाई, एक्स्ट्रा मार्जिन या ज्यादा डिस्टेंस से सिलाई लेंगे तो ब्लाउज बिगड़ सकता है। पूरा स्टिच फुटर से, क्रॉस पट्टी लगाने के बाद इस तरह से ये रेडी हो जाएगा। इधर जो राइट साइड होती है, आई साइड होती है, इसे एक्सटेंड करना होता है। इधर से आप एक्सटेंशन पट्टी लगाएंगे, एक ऐसी पट्टी ऊपर से इस तरह से, फिर फुटर के डिस्टेंस से चलेंगे। इसके साथ ही ये अटैच हो जाएगा, देखो ऐसे। ये पट्टी एक्सटेंड कर दी, होल्डिंग से ऐसे रख के इस तरह से ये पट्टी एक्सटेंड हो गई। एक्सटेंड करना है मतलब इसे बढ़ाना है।
ये हमारी पट्टी ऐसे, ये एक बार से ऐसे ही, दूसरा पार्ट हमने रेडी किया है, ये हुक पट्टी इसको कंप्लीट टर्न किया है। दोनों पार्ट यदि मिलाते हैं तो वो प्रॉपर आना चाहिए ऐसे। फिर बैक, बैक में भी हमने बैक साइड से डार्ट लगाते हैं, सेंटर से पार्ट ऑफ चेस्ट, पार्ट ऑफ चेस्ट ये तीन साढ़े तीन या वैसे तो साढ़े चार इंच का होता है, लेकिन नेक से ऊपर ये डार्ट नहीं जाना चाहिए। ऐसे दोनों डार्ट लगाने के बाद इसमें बैक साइड से पहले तो काउंट कर लेना है, ब्लाउज को हमेशा काउंट करते रहना है, 14.5 फ्रंट काउंट करेंगे, 14 करने के बाद फ्रंट कम हो गया है, फ्रंट हमारा रेडी 14 का है। बैक साइड से इसको फिनिशिंग के लिए हमें पट्टी लगानी पड़ेगी, 1/2 इंच के डिस्टेंस से लगाएंगे। मतलब फ्रंट और बैक जब हम काउंट करके लगाते हैं तो पहले फ्रंट काउंट कर लें, उसके बाद बैक की पट्टी लगाएं, जिससे कि मेजर में गलत नहीं होगा। मार्जिन में 1/2 इंच रखा था, ये सब आके ध्यान में रखना है, जितना मार्जिन लिया है उतना ही स्टिच करना है। फ्रंट बैक सीधा रखना है, सीधे पे सीधा शोल्डर ज्वाइन करना है। अभी नेक लाइन से नेक साइड जो है हमारी, उधर से हमें मैच करना है शोल्डर। यहां फुटर से बाकी स्टिच फुटर से, दोनों सीधी साइड अंदर उल्टी साइड बाहर, फुटर से शोल्डर ज्वाइन करेंगे। इस तरह से
अटैच करेंगे। जब भी स्लीव्स अटैच कर रहे हम, इसको तो पहले मैंने फोल्ड करके रखा है, इस तरह से फोल्ड करना है। स्लीव्स बहुत बार गलत हो जाती है लगाने, तो ये आर्मोर शेप देखना है। एक स्लीव्स ऐसे, मतलब ये लेफ्ट हैंड की स्लीव्स है, ये देखते हैं ये आर्मोर, ये राइट हैंड की स्लीव्स है। तो इसमें भी राइट हैंड की स्लीव्स, कोई भी स्लीव्स हम लगा रहे हैं तो सेंटर में नॉच देना है, शोल्डर और ये नॉच मैच होना चाहिए। लगा के देखते हैं, देखिए स्लीव्स थोड़ा सा हल्का सा खींच के लगाना है, नॉच टू नॉच, नॉच और शोल्डर मैच होना चाहिए। ये भी फुटर से ही देखिए, ऐसे राउंड में नीचे साइड को नहीं, बस लूज को पकड़ के राउंड में घुमाना है, फुटर से स्टिच करते जाना है। और ये ध्यान रहे कि हमारा नॉच मैच होना चाहिए। इस तरह से स्लीव्स अटैच होगी। स्लीव्स के बाद देखिए लेवल प्रॉपर आ गया, फ्रंट एंड बैक, क्रॉस पट्टी थोड़ी थोड़ी बाहर आ गई हमसे कट करने में एक्स्ट्रा। प्रॉपर लेवल से लग गया है ब्लाउज, इसे सिंगल फुटर की सिलाई देंगे सीधी साइड से। आर्म होल दोनों ही प्रॉपर आने चाहिए। अभी इसको टर्न करके स्टिच करना है, टर्न कर लेंगे, फिनिशिंग से आएगी। दोनों आर्मर अटैच है, आप देख रहे हो जितना हमने स्लीव्स राउंड किया था वहां से पहले तो एक प्रेस स्टिच करेंगे, फिर उसका मार्किंग करके, मार्जिन का मार्किंग करके हम लोग उसमें स्टिच करेंगे। देखिए पहले बैक सिलाई, फ्रेंच सीम भी बोलते हैं। फ्रेंच सीम मतलब गुप्त सिलाई, जो कि धागे ना निकले या उल्टी साइड से भी फिनिशिंग से देखना चाहिए, इसलिए इसको इस तरह से पैक किया जाता है। फ्रेंच सीम या गुप्त सिलाई ऐसे बोला जाता है, यहां से कहीं भी आपको धागे नहीं दिख रहे। अभी इसे मार्किंग कर लेना है, 36 का था, यहां से 9 पर मार्किंग करेंगे। वेस्ट राउंड मार्किंग, स्लीव्स राउंड
मेजरमेंट लिया था हमने, आर्मोल के मेजरमेंट का हाफ और फिटिंग से लेंगे। यहाँ लॉकिंग कर देना है जिससे कि सिलाई नहीं खुलती। वेस्ट साइड आते हैं हम, वेस्ट में नीचे साइड में भी लॉकिंग कर देना है। सेम ऐसे ही दूसरी स्लीव अटैच करके ये स्टिच करना है।